कई बार मैंने देखा है जब प्लांट की कटिंग को लगाते हैं या फिर बीजों से पौधों को ग्रो करते हैं तो हमारा पौधा अच्छा से ग्रो नहीं होता है। कई बार कमेंट में पढ़ने को भी मिलता है कि सर मेरा पौधा ग्रीन है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है और कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। देखिए मेरा पॉटुलका का पौधा है और मोस रोज की कटिंग मैंने लगाया था और कटिंग लगाने में ये अच्छे से डेवलप भी हो रहा है। कटिंग लगाने का महीना जो है मार्च से अप्रैल का महीना होता है कटिंग लगाने का। और कटिंग के साथ साथ आप कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र भी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी कटिंग जो है कि फेल हो जाए। आपकी कटिंग सक्सेस रहेगी 100% जब इसमें आप इसके साथ साथ कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रामप्रेश चौहान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग सीखें। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हैं अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे ले सकते हैं और सीडलिंग या कटिंग से कैसे ग्रो करा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। और देखिए देखिए हमारी गुड़हल की कटिंग है, हमने इसको कटिंग से ग्रो किया था। अब इस पर नई नई शूट कलियाँ जो है देखिए निकल के आने लगी हैं। इसमें पत्तियाँ भी कितनी अच्छी अच्छी निकल के आने लगी हैं, इसको हम कटिंग से ग्रो किए थे। यदि आपके पौधे की ग्रोथ ना के बराबर हो रही है और आपका तुलसी या एलोवेरा का पौधा सूख रहा है तो आज की वीडियो में जो फर्टिलाइज़र हम आपको बताने वाले हैं, आज की वीडियो में जिस फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर देना शुरू करें। आपको ज़रूरत के अनुसार दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप एक सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, मंथ में एक बार दे सकते हैं। पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, यानी कि जो पौधा बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा है उस पर आप यूज कर सकते हैं और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा इसका मिलेगा इस फर्टिलाइज़र का अगर आप उपयोग करते हैं तब। सारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ट्राई कर चुके हैं और आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार इस फर्टिलाइज़र का ट्राई आप ज़रूर करें और देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। सब फर्टिलाइज़र जहाँ आप दे के थक चुके हैं तो आप अपने प्लांट्स पे इस फर्टिलाइज़र का यूज करिए और देखिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए आलू तो सभी के घरों में हैं लेकिन आलू के कुछ इस तरह से ये जो है इस तरह के जो निकले होते हैं अंकुरित, इसको हम स्प्राउट कहते हैं। आपको तो पता है कि स्प्राउट हमारे जो हर तरीके के काम में आता है, ये हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तो निश्चित ही 100% प्लांट के लिए भी फायदेमंद होगा ये स्प्राउट। तो स्प्राउट को जो क्या करना है कि आलू के छिलके के साथ में ही स्प्राउट को भी हमको उतार लेना है और इन्हीं के साथ में जब हम आलू के छिलके के साथ में इसको जब छिलने से छील करके स्प्राउट को हम उतार लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, आप अपने आवश्यकता अनुसार जो है कि इसको इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद इसको आप कुछ इस तरह मिक्सी में, किसी भी मिक्सी में आप जब डाल देंगे तो डाल के उसको मिक्सी में पीस लेना है। पीसने के बाद ऐसा तैयार हो जाएगा, देखिए हम इसको पीस के रखे हैं। ये जो स्प्राउट है ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि जो भी प्लांट है उन्हें एक नई दिशा प्रदान करता है और प्रदान करने के साथ साथ एक नई ग्रोथ की तरफ भी ये आपके प्लांट को ले जाता है। साधारण भाषा में अगर हम कह सकते हैं कि ये प्लांट को पुश भी करता है ग्रोथ की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको स्प्राउट जो है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे ऐसे निकाल करके और इसके साथ ही हम इसके जो छिलके हैं इनको भी इकट्ठा कर लेंगे ऐसे उतार के, आपके छिलके मिल जाएंगे और जो इसके अंदर का आलू का पार्ट है ये आपको किचन में भी चला जाएगा और जो है कि आपका कोई वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ऐसे हमको इकट्ठा कर लेना है जिसने भी स्प्राउट हैं और छिलके हैं और इनको एक मिक्सी में आपको पीस के अच्छा सा एक घोल बना लेना है। हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे बनाना है। ये देखिए हमारे स्प्राउट
आलू के छिलके का जो मिक्सी में पीसने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा फर्टिलाइज़र। अब इसको एक छन्नी की मदद से हम इसमें छान लेंगे। यानी जो लोग कह रहे थे कि हमारा सब फर्टिलाइज़र दे चुके हैं और हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत हद तक ये नुस्खा जो है कारगर साबित होगा। आप देखिए, इसको हम छन्नी की मदद से अपने इस फर्टिलाइज़र को छान ले रहे हैं। छानने के बाद ये जो बच रहा है इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का हम दो तीन तरह से यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं। लिक्विड में भी, मल्चिंग करके भी, मतलब आप यूज कर सकते हैं। तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, जो बच रहा है इसको आपको रखना है। और ये जो हमारा देखिए इतना सारा फर्टिलाइज़र जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसमें उतनी ही मात्रा में इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, जितना ये है इतना हम इतना इसमें पानी ऐड कर देंगे, इसका डबल। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी अपने प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें पानी डालेंगे और यह आपके पौधे के लिए न्यूट्रिशन भी प्रदान करेगा। और आप इसको जो पीस लें, इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके जितना भी आपके पास है अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप पीस करके फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैंने जितना पीसा है उसमें 3-4 प्लांट के लिए काफ़ी हो जाएगा इतना पानी डालने के बाद। चलिए बताते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए, अब दो तरीके हैं। आप इसको डायरेक्टली पानी मिला लीजिए इसमें 1 लीटर, और पानी मिलाने के बाद ये आपका फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसको छान के भी रख सकते हैं, या अपने पौधे को ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्रिएक्ट होगा, फंगस लगेगा, या छान कर भी देना चाहते हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं। और जो बचा हुआ है इसको आप इस पौधे में, आप डायरेक्टली प्लांट में भी दे सकते हैं इसको जो बच गया है, या पानी मिला करके भी इसको आप दे सकते हैं। दोनों ही तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, कुछ इतना घोल तैयार हो गया है, हम इसमें हाफ और पानी भी मिला लिए हैं। अब हम सभी प्लांटों पे देंगे जिस पे फ्लावरिंग हमको चाहिए और जिन पे फ्लावरिंग हो भी रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्लांट पे जो कलियां हैं वो मजबूत नहीं हैं, मजबूत होनी चाहिए। गुलाब का है और ये सर्दियों का है, 2-4 फ्लावरिंग इस पे देखिए हो भी रही है अभी, और धीरे धीरे ये बरसात आएगा तो उसके बाद इसकी फ्लावरिंग जो है कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, शुरू हो जाएंगी, खूब सारी इस पर फ्लावरिंग होने शुरू हो जाएंगी। जिनके पास गजानिया, मोगरा, रजनीगंधा, गुड़हल, इस पर जो है कि आप दे सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस फर्टिलाइज़र को एक बार यूज करके बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा इस पर रिस्पांस आपको मिलेगा। आप किसी भी गुड़हल या किसी भी प्लांट पर आप दीजिए डायरेक्टली, बहुत ही अच्छा इस पर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि तपती हुई गर्मी में पौधे को बचाने के लिए आप इसकी टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। यानी जो भी आप सबको दिखाऊंगा उसी तरह आपको करना है। आप जब पानी ऊपर से दे रहे हैं तो पानी देने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उसको पूरी तरह से ऊपर से नहला दीजिए, ताकि जो कि पत्तियाँ ऊपर से पानी नहलते हुए जो है कि नीचे तक आ जाए, और पत्तियों पर जो धूल मिट्टी पड़ी है, जो डस्टिंग पड़ी है, वो धूल जाए। और धुलने से क्या फ़ायदा होगा कि जो डस्टिंग बैठी होगी, जो मिट्टी बैठी होगी पत्तियों पर, ये पत्तियों पर से सब जो है कि मिट्टी जो है निकल जाएगी, जो डस्टिंग होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। तो पत्तियाँ आपकी सुंदर और चमकदार भी रहेंगी और नुकसान भी नहीं करेगा। तो आपको ऊपर से पानी से नहला देना है। देखिए, गुलाब ऐसा पौधा है जिसको मिट्टी में नमी चाहिए। नमी बनी रहने के लिए और नमी बनाने के लिए पानी का नमी बना रहे, और उसमें ज़रूरी होता है कि रिच सॉइल खाद का आप प्रयोग करें। इस तरह से आप मल्चिंग अगर कर दिया है, जो आपका ये फर्टिलाइज़र में निकला है आलू के, इसको फेंकना नहीं है, इसको आप मल्चिंग कर देना है। तो मल्चिंग कर देने से
आलू के छिलके जो है, खीरे के छिलके या वेजिटेबल के जो छिलके हैं उसको आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो ये है इसको गुलाब की मिट्टी में मल्चिंग कर दीजिए। इससे जो है कि बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो हमारा पीसा हुआ छानने के बाद आलू में से जो निकला है इसको हम अपने गमले के ऊपर इसको फैला देंगे, और देखिए ऐसे आप फैला देंगे तो इससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही सुरक्षित रहेगा। एक तरीका ये भी है, इसको आप फैला देंगे तो मिट्टी में मिक्स भी हो जाएगा, आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा। पौधे पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आलू पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है और जो फ्लावरिंग लेने में बहुत मदद करता है। देखिए अगर किसी भी प्रकार का कोई कटिंग आपने लगाया है, और मान लीजिए मेरा ये जो है कि मनी प्लांट का कटिंग है और इस कटिंग पे ग्रोथ बाकी सब प्लांट से कम है, तो आप क्या करेंगे? उसी फर्टिलाइज़र को हम क्या करेंगे, एक किसी बड़ी बाल्टी में या कोई बड़ा गमला है इसमें हम उस फर्टिलाइज़र को ऐड कर देंगे। आप कोई गमला ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें इस फर्टिलाइज़र को आप ऐड कर दीजिए। देखिए हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, और ऐड करने के बाद करना क्या है कि हम अपने उस मनी प्लांट वाले पॉट को इसमें आधे एक घंटे के लिए डाल के छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद हम एक घंटे बाद इसको निकाल लेंगे। और जब निकाल लेंगे तो इससे जो एक घंटे छोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो पौधा बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। देखिए हम डाल के आपको दिखा भी दे रहे हैं, इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसको एक घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जब ये खूब सूख लेगा तब हम इसको निकाल देंगे एक घंटे बाद। इससे आपका प्लांट मरेगा भी नहीं और बहुत अच्छा जो है ग्रोथ होगा, जल्दी से ये डेवलप भी होने लगेगा। एक तरीका ये भी है, मान लीजिए तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, गर्मियों में आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है करेंगे कि जो बीज हैं, ये जो इसके बीज हैं तुलसी जी की मंजरी इसको बोलते हैं, इसको आपको काट लेना है, मंजरी को निकाल लें, और उन्हें तुलसी जी के उसी गमले में आप इनको डाल दीजिए काट के। मंजरी को हटा देंगे तो ये सूखेंगी नहीं, और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसको आप इनकी जड़ों में डाल दीजिए। जब आप इनको जड़ों में डाल दीजिए तो जड़ों में डालने से क्या होगा कि जो नए नए पौधे इसमें हैं तैयार हो जाएंगे, और आलू का स्प्रॉयड वाला जो फर्टिलाइज़र है जो मैंने आपको बताया है उसको आप इसके ऊपर से डाल दीजिए। आप सप्ताह में एक बार ऐसा करेंगे, महीने में भी एक बार आप कर सकते हैं, ऐसे आपकी तुलसी जी हरी भरी हो जाएंगी, और फिर जो है नए नए पौधे भी इनके निकल आएंगे जो आप बीज काट के इनके जड़ों में डालेंगे। तो आप इसको ऐसे काट करके, और जो इसका आलू का लिक्विड वाला ये फर्टिलाइज़र है इसको आप इसमें जड़ में इनको दे दीजिए, और ऊपर से मंजरी काट के हटा दीजिए, आपकी तुलसी जी हरी भरी हो जाएंगी। जिन लोगों के यहाँ एलोवेरा लगे हैं और कुछ इस तरीके से धूप में हो रहे हैं और धूप में इनका कलर चेंज हो जा रहा है, और बहुत लोग इनको तेज धूप में बचा के कहीं छांव पे भी रख देते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। और जिनका एलोवेरा कलर धूप में ख़राब हो रहा है वे आलू वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो निश्चित ही देखेंगे कि एलोवेरा की जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी ग्रीन होंगी, और एलोवेरा का पौधा मरेगा नहीं। इस आलू वाले फर्टिलाइज़र का उपयोग इसमें आप करिए, अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। इस वाले फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर आप करेंगे तो आपकी एलोवेरा की पत्तियाँ ग्रीन बिल्कुल हरी हरी हो जाएंगी। तो मैंने ये जो फर्टिलाइज़र आपको बताया है इसको आपको बता रहा हूँ, इसको आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग में भी यूज कर सकते हैं, और इसका लिक्विड भी जो है कि आप यूज कर सकते हैं, इंडोर प्लांट में भी आप दे सकते हैं,
और तुलसी जी के पौधे में, एलोवेरा के पौधे में आप किसी भी तरह आप देंगे तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा ये फर्टिलाइज़र आपको, और गर्मियों में बहुत ही अच्छा आपके प्लांट पर काम करेगा, प्लांट को बहुत ही प्रोटेक्शन देगा गर्मी में। ये गर्मी के लिए ही ये विशेष करके फर्टिलाइज़र हम बनाए हैं, और आप भी बना के अपने पौधे पर यूज करिए और देखिए इसका रिस्पांस कैसा मिलता है आपको। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल गार्डनिंग सीखो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों तक जानकारी जाएगी, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।